अन्ना को सिल्वर स्टेज से निकालने की तुम्हारी ख्वाहिश आज सचमुच पूरी हो रही है। अपनी आंखों से ये तमाशा देख लो। मेरी आंखों ने अभी अभी जो यहां देखा है रंजना देवी, उसमें मुझे आपके अंदर की औरत कहीं नजर नहीं आई, और इस आदमी के अंदर का जानवर मैं बहुत पहले से देख चुका हूं। चलिए आवाज साहब, खुशी के मौके पर आंसू बहाएंगे। ताज्जुब है, तुम्हें ये सब देख के खुशी नहीं हुई? आज आप दोनों को यहां देखकर रंजना देवी, मुझे इंसानियत पर अफसोस हो रहा है। जब कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया है तो आप दोनों को इस घटियापन पर उतरने की जरूरत क्या थी? नहीं रंजना देवी, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। हम तो यहां आए थे ये देखने के लिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप यहां क्या देखने आए थे, लेकिन एक बात मत भूलिए, अगर सिल्वर एस्टेट पर स्वेतलाना का कोई हक नहीं है तो इस पर आपका या मेरा भी कोई हक नहीं है। इसे कोर्ट ने डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी करार दिया है। इसका मतलब यह है कि यहां से स्वेतलाना को निकालने का हक सिर्फ कोर्ट को जाता है। अरे साहब, कोई पैंदी लगाइए इनके नीचे, इस बेपैंदी के लोटे को यही नहीं पता किस तरफ। तुम्हारे हैवानियत की तरफ तो जरूर नहीं, क्यों बच्चों? तुम लोग चिड़ियाघर तो गए हो ना, वहां पर तुमने बहुत से खूंखार जानवर देखे होंगे। क्या इन अंकल जैसा जानवर देखा हूं? नहीं ना करण, जंगल के जंगली जानवर भी तुम्हारे सामने बहुत मासूम लगते हैं, समझे? ऋषभ, तुम अपनों पे कीचड़ उछाल कर दूसरों की तरफदारी कर रहे हो। अभी अपने परायों का सलीका है ऋषभ को, ये जानता है कि केशव के अपने कौन है और पराये कौन। ऋषभ में हूबहू केशव की खूबियां हैं, लेकिन करण की रगों में किसकी खामियां हैं भगवान जाने। तुम्हारे अंदर किसकी बच्चलनी थी स्वेतलाना? ईमान बेचकर ही तो आपने अमीरी खरीदी, वरना आप किसी सड़क छाप खानदान की तो थी जहां वापस जा रही। खानदान की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती करण, क्योंकि जैसा भी था कम से कम स्वेतलाना का खानदान तो था, लेकिन तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो इस बात का जिक्र किसी भी म्युनिसिपल रजिस्टर में नहीं, देख लेना। ये ना लातों का भूत है ना बातों का, लेकिन थैंक्स जो तुम ऐसे वक्त पर मेरा साथ देने आ गए। तुम भी किसी गलत फहमी में मत रहना स्वेतलाना, क्योंकि आज मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं तुम बच्चों के खातिर आया हूं जिनके रोगों में मेरे पिता का खून बह रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस घर को छोड़ने के बाद तुम इन बच्चों को लेकर कहां जाओगी? ये मैं खुद नहीं जानती। एक ना एक दिन इनको सड़क पे आना ही था। गलत करा फिर गलत, क्योंकि इन बच्चों को मैं सड़क पर हरगिज नहीं आने दूंगा, समझे? देखो स्वेतलाना, जब तक तुम्हारे रहने का कोई और इंतजाम नहीं हो जाता, ये बच्चे मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। नहीं, मैं बच्चों को अपने से अलग नहीं करूंगी। तो ठीक है, जब तक तुम कोई और घर ढूंढ ना लो, तुम भी इन बच्चों के साथ मेरे घर में रह सकती हो। ऋषभ, क्या तुम स्वेतलाना को अपने घर में पना दोगे? स्वेतलाना को नहीं, मैं नेहा और निहाल को अपने साथ लिए जा रहा हूं। और रंजना देवी, कोई भी अच्छी मां अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती, इसलिए अगर स्वेतलाना चाहे तो मेरे घर आकर रह सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे भी कोई एतराज नहीं है,